आगे चल के अजीजाने गरामी यहूद के एक रवैये पे तनकीद फरमाई कि इनकी असल बीमारी नस्ली तासुब है। ये नबी के इंतजार में थे, दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह का नबी आएगा और हम उसके साथ उसकी पैरवी में कुफार को शिकस्त दिया करेंगे, फतेहमंद होंगे। वो नबी इनकी नस्ल से नहीं आया, वो बनी इस्माइल से आ गया, बिगड़ के बैठ गए। नस्ली तासुब की वजह से अल्लाह के रसूल की रिसालत से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर ये हरकत की कि ये साजिश की कि मियां झूठ मूठ दीन में शामिल हो जाओ, मुसलमान होने का ऐलान कर दो, और फिर कुछ अरसे के बाद अगली शाम तुम इनकार कर दो कि यार देख लिया है इनके दीन को, क्या है इसमें, तो ये खामियां हमने छोड़ दिया। इर्तिदाद की नीयत से दीन में आओ, इसलिए इर्तिदाद को हराम करार दे दिया गया और फुकहा के नजदीक इसकी सजा कत्ल है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह पाक, प्यारे नबी पाक के सदके में हमें कुरान करीम पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रख और उसकी हिफाजत फरमा, और हमारे वालदैन, अहलो अयाल और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। आमीन सुम्मा।